तो यार हम लोग आ चुके हैं फाइनली गोवा में, प्रवेश कर चुके हैं। अब यहीं पे धूम धड़ाका होगा आराम से। वाओ, तालियां होनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे होंगे 11 और मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ। मैं अभी 5-10 मिनट पहले उठा था, मैं फिर नहा लिया आराम से। अब मैं आया हूँ खाना खाने के लिए। पता नहीं नींद यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी मैं उठाऊँ 10-11 बज चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने बेसिकली। और पता नहीं आज क्या बन रखा है, चलो अभी देखते हैं क्या बना है। तो यार डेली हमारे यहाँ पनीर ही बन रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कितने अमीर हैं क्या हम लोग, डेली पनीर खा रहे हैं। पनीर बना है और हाँ चावल भी बन रखे हैं, चलो तो फिर खाते हैं। तो यार सब्जी तो काफी मस्त बनी है, ऑलमोस्ट खत्म ही करने जा रहा हूँ। ये रोटी में जो स्वाद है ना भाई, ये कहीं नहीं है। ये जो चूल्हे पे रोटी होती है बड़ा मस्त लगती है, ये वहाँ नहीं मिलती कहीं। मेरे को बहुत मस्त लगती है, मैं जब घर आता हूँ तब यही वाली रोटी बनवाता हूँ, वही खाता हूँ। तो अभी शायद अपडेट ये है कि मेरे को शायद कन्नौज जाना है डीएल के काम से, तो अगर जाएंगे तो मैं देखता हूँ, थोड़ा करूंगा ब्लॉग वहाँ पे, अदरवाइज मैं फिर काम ही करूंगा। Let's go. तो यार हम लोग आ चुके हैं फाइनली गोवा में, प्रवेश कर चुके हैं। अब यहीं पे धूम धड़ाका होगा आराम से। और ये देख सकते हो गोवा पहुंच गए हैं हम, और इसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या चलता है यहाँ पे गोवा में। आराम से यहाँ पे 2-3 दिन मज़े करेंगे, उसके बाद सीधा निकलते हैं घर के लिए। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ और अंदर जा रहा हूँ। गलत गोवा में आ गए हैं, ये कोई दूसरा गोवा है। यहाँ तो वो वाला कुछ दिख नहीं रहा है जो वीडियो में दिखता है, तो हम तो जा रहे हैं फिर इसके बाद और आगे जा रहे हैं। पट हो गया यार वो, क्या बोलते हैं, जहाँ पे आए थे हम लोग आरटीओ में, और आरटीओ पूरा जितने ये सब है ना, ये सब क्लोज है यार, और सब क्लोज है, मतलब कुछ भी नहीं खुला है। और उससे फ़ोन किया था जो है दुकान वाला, वो कह रहा था कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को हो रही है दिक्कत यार, अब हम लोग आ तो गए हैं, अभी फालतू में छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के चूतिया कट गया है हम लोग का। तो बेसिकली यार मैं वहाँ से आके सो गया था कन्नौज से आके। वहाँ देखो, वहाँ भी कन्नौज पे भी डीएल का भी काम नहीं हुआ था मेरा, और नंबर 2 पे काम था कि मेरे को मेरा पैन कार्ड जो था वो इशू करवाना था। बेसिकली मैं उसमें फ़ोटो चेंज करवा के गया था, वो भी काम नहीं हुआ है। और नंबर 3 जो एक तीसरा काम था वो भी नहीं हुआ है। कुल मिला के हम लोग का चूतिया कटाए वहाँ पे, उसके बाद हम घर पे आ गए थे एंड देन सो गए थे उसके बाद। और अभी मैं जस्ट गया था मार्केट, थोड़ी सब्जी वब्जी लानी थी, तो मार्केट से अब मैं खेत की तरफ यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ बेसिकली घर, मार्केट से आ गया हूँ मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ अब घर पे। यार ये दिन पता नहीं कैसे हो रहे हैं इतनी तेज़। तो पहली चीज़ तो धूप निकलती है, अबे की का ये मतलब इतनी तेज़ धूप निकलेगी और मन करेगा कि बस सोते रहो एकदम से, इतना थकान सा महसूस होता है दिन में।
पता नहीं ये दिन कैसे चल रहे हैं, आई डोंट नो, बट अब मैं थोड़ा बाहर आया था तो फिर भी ठीक लग रहा है। वैसे घर पे रहो तो लाइक ये लगता है कि बस लेटे रहो, आराम से आराम करो, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। मैंने जो थोड़ा काम था वो कर दिया है, ब्लॉग जो आज वाला वो कल वाला था वो भी मैंने नहीं एडिट किया, और आज वाला तो अभी मैं शूट ही कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये पता नहीं कल वाला कब आएगा ब्लॉग, मेरे को पता भी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि थोड़ी तबीयत डाउन सी, बट अब सही लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो अब देखते हैं यार कब आता है ब्लॉग, शायद कल मैं अपलोड करूँगा एक ब्लॉग तो कल वाला होगा, तो ऐसे कर करके अपलोड कर पाऊँगा, वरना आज वाला अगर कल अपलोड करूँ तो भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें भी यार थोड़ा टाइम लगता है एडिट करने में, क्योंकि कटवट लगाने पड़ते हैं। मैं जबकि एकदम से रॉ ब्लॉगिंग करता हूँ पूरी, मैं बिल्कुल कटवट सिर्फ कट लगाता हूँ, ट्रांजिशन एक दो लगा दिया, म्यूजिक डाल दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, एंड दैट्स इट। मैं ज़्यादा कुछ एडिट करता ही नहीं हूँ, बस थोड़ा वो टेक्स्ट वेक्स्ट का सीन कर लेता हूँ कभी कभी, वैसे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ सर, फिर भी इतना टाइम लग जाता है। तो बहुत बकचोदी हो गई, अब चलो चलते हैं सीधा घर। तालियां होनी चाहिए।